इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। एसएमएस अस्पताल का स्टिकर लगे जार में मिले मानव अंग, मानव तस्करी की संभावना। कोविड 19 की वैश्विक महामारी के बीच राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल का स्टिकर लगा हुआ फॉरेंसिक लैब का एक जार राजधानी के मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में लावारिस मिला। मुरलीपुरा थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जार को अपने कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी के मुताबिक मृत मानव अंगों से भरे हुए इस जार को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मुरलीपुरा थाना से कुछ ही दूरी पर पानी की टंकी के निर्मित परिसर में कांच का एक जार मिला, जिसकी सूचना स्थानीय निवासी राजेश शर्मा ने पुलिस को दी। राजेश शर्मा ने बताया कि उनको इस जार की सूचना मंगलवार शाम करीब 6 बजे लगी। जब वह मौके से गुजर रहे थे, उन्होंने इसकी जानकारी मुरलीपुरा थाना में दी। इसकी जानकारी लोगों में फैलने के बाद यहां पर पत्रकार भी पहुंचे। पत्रकारों के साथ बात करते हुए थाना अधिकारी ने बताया कि कांच के जार को कब्जे में लेकर विधिवत रूप से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कांच के जार में मानव के मृत अंग थे, जिनमें किडनी, हृदय और गुर्दा जैसे अन्य कई मानव अंग शामिल थे। सवाल ये उठा है कि सवाई मानसिंह अस्पताल के फॉरेंसिक लैब का कांच का ये जार अस्पताल से करीब 15 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया। माना जा रहा है कि इस तरह के मानव अंग मृतक की बीमारी के बारे में जानने के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। मुरलीपुरा थाना इस प्रकरण की जांच कर रहा है। देश भर में लॉकडाउन और जयपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू होने के बावजूद सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से 15 किलोमीटर दूर मानव अंगों से भरा हुआ जार पहुंचाना मानव तस्करी की तरफ इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।